पे एक और चीज़ देना चाहिए था इसको, जो कि टाइम इंडिकेटर, यहाँ पे टाइम इंडिकेटर देना चाहिए था भाई, कि बार बार मोबाइल निकालने की जरूरत ना पड़े। बाकी और अलग से आपको यहाँ पे लेग गार्ड लगवाना जरूर पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से कंपनी फिटेड नहीं आती वो एक सीज़न। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है बड़े में और आशा का सब बढ़िया होंगे। फिर नई और इंटरेस्टिंग बोले तो आज की बड़ी बड़ी खास होने वाली है, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख लिया है। तो आज हमारे पास है वन एंड ओनली सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक एडिशन, नई वाली वेरिएंट। और ये देख ले हो कि भाई इतनी लेट क्यों ला रहा हूं। तो भाई सबसे पहले बता दूं कि भाई ये अपने यहां पे लेट ही आती है गाड़ी, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना, और बाकी ये रिव्यू आपने पहले देख लिया होगा। तो भाई इसमें ऐसे कौन कौन से खास फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, जबकि इसमें इसके सेगमेंट की बात करो तो 125cc में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही आ रही है एडवांस फीचर्स की, जैसे कि अपनी राइडर हो गई, TVS राइडर 125 हो गई, होंडा की साइन 125 हो गई, साइन SP 125 हो गई। लेकिन भाई सुपर स्प्लेंडर फिर भी उसका रोला हमेशा क्यों टाइट रहता है और ग्लैमर 125 क्यों ज़्यादा बिकती है, इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है क्योंकि भाई हीरो अपने इंडियन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड पे सबसे ज़्यादा लोगों का अट्रैक्टिव रहता है। और भाई भारत को कुछ भी है तो मेड इन इंडिया, तो भाई सब लेते हैं। तो इसी के साथ मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें ऐसे कौन से खास फीचर्स जो आए हैं पहले भी, जो आपने कंपनी ने एडिट किया था, मतलब एडिट बोल रहा हूँ, जो लॉन्च किया था स्टिल्थ ब्लैक वाला एडिशन, तो वो वाला तो था ही, लेकिन उसी के साथ में इसको लाने की क्या जरूरत थी। तो सबसे पहले बता दूँ तो इसका भी कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा, तो आज सिर्फ कर रहे रिव्यूज़ इसका। तो सबसे पहले बता दूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में आपको हीरो का ब्रांडिंग यहाँ पे। और इसकी प्राइजिंग की बात करूँ तो जो नई वाली आई है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है, अभी तक दूसरा वेरिएंट नहीं आया है। हो सकता है कि आगे जाकर के इसमें डिस्क वाला भी वेरिएंट देखने को मिल जाए। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो 94,630 रुपीज़ इसके गुजरात की वापी के है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको जानना होगा अपने स्टेट के बारे में तो कमेंट करना, मैं उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अब इस प्राइस पॉइंट में क्या आपको लेना वर्थ रहेगा इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले देखते हो तो आपको वाइजर देखने मिल जाता है, जो कि आपको ब्लैक में और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है 3D में, ये हो गया। इसी के साथ में क्रोम पार्ट की फिनिश के साथ में ये जो दी गई है थोड़ा सा एकदम कम कर दिया गया है पहले के मुताबिक, वहाँ पे देखते हो तो उसका तो कंपेरिजन भाई अलग से करने वाला, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिप की बात करो तो स्ट्रिप में आपको दो देखने मिल जाता है, डुअल टोन कलर देखने मिल जाता है। अब इसी के साथ में जो सबसे बड़ा अपडेट किया गया है, सबसे पहला और मतलब बड़ा अपडेट जो किया गया है, सबसे पहले देख लो LED में यहाँ पे दिया गया है और LED यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको नज़र आएगा। अब LED में DRL जब इसको ऑन करते हैं हम लोग, तो ये देख लो ऑन करते ही इसमें सबसे पहला जो आएगा, इसको एक बार मैं ऑन करता हूँ, तो ये देख लो ऑन करते हुए सबसे पहले इसमें आपको DRL जलता हुआ नज़र आएगा। अब जब आप इसे मतलब बहुत से लोगों की शिकायत थी कि भाई सुपर स्प्लेंडर हो गए, सॉरी जो अपनी पैशन प्रो आई थी और स्प्लेंडर प्लस आई थी, उसमें भाई जब चालू करते थे तो DRL नहीं जलती थी, तो भाई कंपनी ने, आप सुनता है कंपनी हीरो की और इसलिए भाई अपडेट देते रहता है। तो यहाँ पे देखते हो तो इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे चेंज किया गया है पहले से, और इसमें कौन कौन से फीचर्स जो ऐड किए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है, डिजिटल कंसोल। और उसी के साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया गया है, जो अपनी हीरो है भाई इंडियन मार्केट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है आजकल। और जो इंटरफेस अगर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब अलग ही टाइप का लगेगा, और लगेगा कि हाँ भाई कुछ आप लिए हो वैल्यू फॉर मनी भाई, क्योंकि भाई सब गाड़ी दे रही थी तो इसमें डिजिटल कंसोल तो देना तो बनता ही था। लेकिन भाई इसमें आपको जो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वही वाले स्प्लेंडर वाले देखने को मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिल जाएगा, कॉल नेविगेशन का, और यहाँ पे हेलो हीरो का आएगा, ऑडोमीटर यहाँ पे देखने मिल जाता है, ट्रिप मीटर देखने मिल जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट देखने मिल जाती है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सॉरी पेट्रोल की लाइट देखने मिल जाती है, यहाँ पे मोल फंक्शन की लाइट देखने मिल जाती है। और मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो भाई ब्लू कलर का ही देना चाहिए था, जैसा कि पैशन प्रो में दिया गया है, तो
वो थोड़ा सा प्रीमियम फिनिश देने की कोशिश करता है और प्रीमियम फिनिश भी लगता है। बाकी येलो दिया है कोई बात नहीं। आई होप एक और चीज़ देना चाहिए था इसको, जो कि टाइम इंडिकेटर, यहाँ पे टाइम इंडिकेटर देना चाहिए था भाई, कि बार बार मोबाइल निकालने की जरूरत ना पड़े। बाकी ये कॉल ये सब की जरूरत तो साथ में आ जाते, तो यहाँ पे आपको 12 लीटर्स के टैंक देखने मिल जाते हैं। सुपर स्प्लेंडर यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। अब उसी के साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हीरो का ब्रांडिंग देखने मिल जाता है। यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं तो किल स्विच, और यहाँ पे आपको देखने मिल, किल स्विच बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टअप का सिस्टम देखने मिल जाता है, और यहाँ पे आपको I3S का बटन देखने मिल जाएगा। इसी के साथ में मिरर देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम पासिंग स्विच, और यहाँ पे हॉर्न की देखने मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउडेस्ट देखने को मिल जाएगी इस सीसी में। और यहाँ पे देखते हो तो भाई आपको सीट पहले से ज़्यादा, मतलब कंफर्ट तो बोल सकते हैं कि भाई पहले भी थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको डबल सीट में देखने को मिल जाता है। ये देख लो, डबल में आ जाता है, तो ये भाई ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव करता है। अब यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो आपको डुअल 10 देखने को मिल ही जाता है। अब यहाँ पे XT का एडिशन यहाँ पे दिया गया है, 3D में सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ है, नज़र आएगा XT यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्टिकरिंग जो दिया गया है ये थोड़ा सा लुक पहले वाले से थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव कलर कर लग रहा है अब। और यहाँ पे I3S की देखने मिल जाती है। क्रोम पार्ट का यहाँ पे ज़्यादा फिनिश का यूज़ किया गया है, और अलग से आपको यहाँ पे लेग गार्ड लगवाना जरूर पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से कंपनी फिटेड नहीं आती, वो एक्सेसरीज में आती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पे देखते हो तो भाई सिल्वर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो दिया गया है ये हीरो का ब्रांडिंग के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लैक का और इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा लग रहा है। तो ये कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना कमेंट में। और बाकी अब पहले से बात कर लेते हैं तो पहले से और क्या कुछ चेंजेस देखने मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये टायर देख लो, टायर तो मतलब ठीक ही है सेगमेंट इसका, लेकिन थोड़ा सा पतला लग रहा है मेरे को। बाकी जूम का आपको टायर सिक्योर है, जूम के टूलिस टायर देखने को मिल जाते हैं नायलॉन में। अगर आप हीरो में जाते हो तो ज़्यादातर इसमें यूज़ किए जाते हैं, और एलोवेस देखने को मिल जाते ही है। तो इसमें अगर सेगमेंट की बात करो तो 118 इंच के एलोवेस के साथ में आते हैं, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही हैं। और बाकी इसी के साथ में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम तो देखने को मिल ही जाती है, CBS, और या फिर इसको बोल दो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हीरो का, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाने वाला है। इसी के साथ में आ जाते हैं रियर में, तो रियर में आपको देखने को मिल जाता है हेलोजन में बल्ब, और यहाँ पे भी एच कल के जो दिया गया है ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में। इसी के साथ में आ जाते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में देखते हो तो कुछ एक्सटे करके यहाँ पे दिया गया है, और टैंक पे देखोगे तो आपको E20 लिखा हुआ है, मतलब इथेनॉल 20। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल पहले डालता था 90% और E10 हम लोग डालते थे जो अपने पास गाड़ी पहले थी। अब जो 2023 में आ रहा है, जो अपडेट दे रहा हीरो, तो सबसे पहले E20 आपको देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको इथेनॉल 20, मतलब कि इथेनॉल यहाँ पे 20% रहेगा और 80% अपना पेट्रोल रहेगा। तो बाकी कैसा लग रहा है ये वाला अपडेट आने के बाद में, और प्राइस माइलेज सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। अब इसकी एग्जॉस्ट नॉट भी सुना देता हूँ आपको, तो ये देख लो काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस हो चुकी है इसकी पहले से, और भी ज़्यादा, पहले तो स्मूथनेस थी ही, लेकिन अब और भी ज़्यादा, और इंजन से और भी बिल्कुल भी आवाज़ गायब हो चुकी है। तो बाकी ये वाला अपडेट कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। और बाकी मेरे हिसाब से भाई इसमें भी किल स्विच का ऑप्शन दे देना चाहिए था, लेकिन किल स्विच देने से एक फ़ायदा होता है कि जब हम लोग किल स्विच से बंद करते हैं तभी भी माइलेज उड़ते रहता है, तो कुछ कह नहीं सकते। और बाकी ये माइलेज वाली भी बाइक मानी जाती है, तो इसकी माइलेज की बात करो तो 68 km/h की माइलेज इसमें कंपनी क्लेम करती है, मतलब आप समझ लो कि 68 से 75 km/h की माइलेज आराम से आपको दे देगी अगर आप इसको अच्छे कंडीशन में चलाते हो। बाकी इसकी बात करो तो 12 लीटर के टैंक के साथ में आ जाती है, ड्रम और डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये ऑप्शनल है अभी में। और बाकी अभी तो ये एक ही वेरिएंट आया है अपने शोरूम पे, तो इसका अभी सिर्फ एक ही बताया जा रहा है, बाकी डिस्क वाला भी आ सकता है इसमें, अभी तक कोई वो नहीं है। बाकी ब्लूटूथ वाला कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिल ही जाता है आपको। और इसी के साथ में बात कर लूँ तो इसमें 124.7 cc के साथ में इसकी मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 10.6 Nm की टॉर्क जनरेट करती है 6000 rpm पर, और फ्यूल इंजेक्शन के साथ में आती है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि 125 cc में, ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिल जाने वाला है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि अभी ये E20 आ चुका है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे एक यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, और एक दिखाता हूँ मैं आपको, ऑक्सीजन सेंसर आपको वहीं पे अब देखने को मिल जाने वाला है, अब दूसरा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे कैटेलिटिक कन्वर्टर दिया गया है, काफ़ी मतलब पैकेट सा लगता है ये, काफ़ी अच्छा डिजाइन जो दिया गया है क्रोम पार्ट में, वो काफ़ी अच्छा हुआ यहाँ से लगेगा। और बाकी आपको हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं सस्पेंशन का, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस रिलायबल इनके सस्पेंशन होते हैं। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ज़्यादा निकला हुआ नहीं, यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है हीरो की, और उसी कलर में ये जो दिया गया है ग्रैब हैंडल वो भी काफ़ी
अच्छा लगता है। बाकी अगर बात करूँ तो ये अपने यूपी बिहार की ज़्यादा पसंद के लोग लेते हैं सुपर स्प्लेंडर दहेज वहेज में, या फिर तिलक बोल दो, या फिर खुद के दम पे भी लेते हैं। तो भाई सुपर स्प्लेंडर का नाम काफ़ी ज़्यादा अपने इंडियन मार्केट्स में यूपी बिहार में ज़्यादा करके चलती है बाइक। तो ये बाइक सब जगह चलती है, लेकिन भाई यूपी बिहार में ज़्यादा आप लोग दिल पे मत लेना कि भाई मेरे स्टेट में नहीं चलती। तो बाकी कैसी लगी ये वाली वीडियो जरूर बताना, और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा शांति मोटर्स जो कि अपने गुजरात के वापी में है। अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो एक अच्छे ऑफर्स के यहाँ पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे ऑफर्स हमेशा चलते ही रहते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना कमेंट में। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत।